हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं फिर आई हूँ आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर, जो कि आपके समय और पैसे दोनों की ही बचत करेंगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप विदाउट स्किप करके पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सुई धागे का डिब्बा लिया है, और डिब्बे में ये बटन खुले पड़े रहते हैं जिससे हमें ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आई हूँ। आप इन बटन्स को सेफ्टी पिन में इस तरह से डाल दीजिए। इससे एक तो आपके बटन एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे और ये ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आप इसे इस तरह से लॉक करके अपने बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। आप देखिए, देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, और साथ ही हमारी चीज़ भी इकट्ठे एक जगह पर हो गई है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक ही सेफ्टी पिन में सारे बटन्स डाल दिए हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा बटन्स हों तो आप दो या तीन सेफ्टी पिन ले लीजिए और उसमें बटन्स को पिरो दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप इस ट्रिक को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। फ्रेंड्स, मेरी ये टिप मिक्सी के जार को लेकर है। हम मिक्सी के जार को यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद मिक्सी के जार को वॉश करके ऐसे ही रख देते हैं, जिसकी वजह से इसके ब्लेड्स ख़राब हो जाते हैं और उसकी धार भी कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपके लिए टिप लेकर आई हूँ। इसके लिए आप मिक्सी के जार को वॉश करने के बाद इस तरह से रख दीजिए। इससे मिक्सी के जार का सारा पानी निकल जाएगा, और मिक्सी के जार में जो मॉइस्चर रह जाएगा वो भी नहीं रहेगा, और जब ये सूख जाए तो आप इसे ढककर रख दीजिए। आई होप फ्रेंड्स, आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी टिप अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे मोबाइल का चार्जर वाइट रंग का होता है, और वो बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चार्जर को साफ करने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक ट्रिक लेकर आई हूँ। इसके लिए आपको कॉटन पर नेल पेंट रिमूवर लगा लेना है, और नेल पेंट रिमूवर लगाकर आपको चार्जर को क्लीन कर लेना है। आप देखिए कितनी आसानी से चार्जर क्लीन हो गया है। आप इस ट्रिक को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, और फ्रेंड्स, अगर आपको टिप अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरी लास्ट टिप बहुत ही यूज़फुल है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। जब हम कद्दूकस को यूज़ करते हैं तो कद्दूकस की धार धीरे धीरे कम हो जाती है, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक टिप लेकर आई हूँ, जिससे आप इजीली घर पर ही कद्दूकस की धार को तेज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप लिया है। अब आपको कप को कद्दूकस के ऊपर इस तरह से चलाना है। जब आप कप को कद्दूकस के ऊपर इस तरह से चलाएंगे तो कद्दूकस की धार धीरे धीरे तेज होती जाएगी। आपको कप को कद्दूकस के ऊपर इस तरह चलाना है जैसे कि हम आलू को ग्रेट करते हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने घर में चाकू की धार को भी तेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कप के ऊपर चाकू को इस तरह से चलाना है। आप जैसे जैसे चाकू को कप के ऊपर चलाएंगे, चाकू की धार वैसे वैसे तेज होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इस ट्रिक को यूज करके चाकू की धार को इजीली तेज कर सकते हैं, और इससे आपका समय और पैसे दोनों ही बच भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस ट्रिक को ट्राई कीजिए। अगर आपको ये ट्रिप अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, आपको इन टिप्स में से कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।